नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की चिंता उनके समर्थक को होती रहती है, शायद यही वजह है कि उनसे मुलाकात करने का दौर आज भी चालू है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से उनको लेकर नियम बनाया गया है, उस खास नियम को फॉलो करने के बाद ही कोई उनसे मुलाकात कर सकता है। लेकिन कई ऐसे समर्थक भी हैं जो इन नियमों को ताक पर रखकर उनसे मिल भी चुके हैं। अब इसको लेकर अचानक ग्रामीण एसपी ने लालू प्रसाद यादव के वार्ड में जाकर औचक निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने सख्त निर्देश भी दिया है कि इसके बाद से कोई भी इस नियम कानून को तोड़ा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साहब अभी अवकाश में है, उनका प्रभार दैनिक कार्यों का मुझे ही दिया गया है। डीआईजी साहब के माध्यम से ये सूचना मिल रही थी कि लालू जी के सुरक्षा में कुछ लैप्सेस है और कितने लोग जवान हैं, किस तरह से काम कर रहे थे, और वो भी चूँकि कोरोना पीरियड में काम करना है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम यहाँ आके निरीक्षण किए हैं। जो भी जवान आए हुए हैं, ये लगे हुए हैं पहले से, उनको मैंने कैसे ड्यूटी करनी है कोरोना पीरियड में अपने बचते हुए उसका हिदायत दिए है। कुछ आवश्यक सामग्री भी बांटे हैं, सैनिटाइजर वगैरह हम लाए थे अपने जवानों को, मैंने दिया है और सख्त हिदायत दिया है कि किसी भी सिक्योरिटी में किसी प्रकार का लैचेज नहीं हो। और वही लोग इनसे जाके मिलेंगे जिनका परमिशन या तो जेल से हो या चूँकि सैटरडे है तो मात्र 3 आदमी को मिलना है जो आवेदन देंगे और वो जिनको परमिट करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि जवानों में जवान अब चुस्त दुरुस्त होके पहले से भी काम किए और इसमें गुणात्मक सुधार आए। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा में लगे जवानों को कई कड़े निर्देश दिए और सख्त हिदायत भी दी। जेल मैनुअल का जो भी उल्लंघन करता है उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाए। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों में कई छोटे बड़े समर्थक और नेता जेल के बिना अनुमति के लालू प्रसाद यादव से मिलने पेइंग वार्ड पहुंचे थे। हालांकि ग्रामीण एसपी ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने बाहर से लोग आते हैं, इसलिए कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिकोण से सुरक्षा में तैनात जवानों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि जेल प्रशासन से अनुमति प्राप्त लोगों को ही लालू प्रसाद यादव से मिलने दिया जाए। इसके साथ ही राजद सुप्रीमो से मुलाकात के दौरान भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। संभव हो तो मुलाकात करने वाले और लालू प्रसाद के बीच सामाजिक दूरी निर्धारित करने के बीच एक रस्सी डाल दी जाए। इसके साथ ही सुरक्षा से संबंधित अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। तो अब लालू प्रसाद यादव से जो भी मुलाकात करने जाएंगे उनको ये पूरा रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर ग्रामीण एसपी ने ये कह दिया है कि अब उन सभी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस वक्त नियम को ताक पर रखकर मुलाकात करते हैं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।